हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड एडुटेक। अभी हम लोग क्लास 11th के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसके बारे स्टडी कर रहे थे, और लास्ट क्लास तक में जैसे 2019 का जो क्वेश्चंस पूछा गया था उसमें 38 नंबर तक देखे थे, और उससे आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 39 का पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा और चौथा, चार ऑप्शंस क्या क्या हैं? भी बाई टी इज इक्वल टू के, भी टी इज इक्वल टू के, भी इज इक्वल टू 1/t और टी बाई भी इज इक्वल टू के। टॉपिक है कि इनमें से कौन चार्ल्स लॉ है। देखिए, चार्ल्स लॉ बताता है कि कांस्टेंट प्रेशर पे एट कांस्टेंट प्रेशर, जब प्रेशर कांस्टेंट रहता है तो वॉल्यूम भी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर टी। एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम भी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर टी। तो भी इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा दीजिए, तो कांस्टेंट के इंटू टी, भी इज इक्वल टू के इंटू टी, तो भी बाई टी इज इक्वल टू के, भी बाई टी इज इक्वल टू के। गिवेन ऑप्शन में से फर्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर होगा ए, दैट्स भी बाई टी इज इक्वल टू के। क्वेश्चन नंबर 40, जूल सेकंड पर मीटर पर केल्विन, जूल पर सेकंड पर मीटर पर केल्विन जूल पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन एंड ऑप्शन डी जूल पर सेकंड पर मीटर पर केल्विन, अच्छा ओनली केल्विन है। अब देखिए, ये जो सवाल है इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि थर्मल कंडक्टिविटी का ऐसा यूनिट क्या होगा। थर्मल कंडक्टिविटी का ऐसा यूनिट, एक फार्मूला होता है क्यू बराबर के ए टी वन माइनस टी टू इंटू टी बाय डी। ये फॉर्मूला हम लोग हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स वाले यूनिट में स्टडी किए हैं। क्यू इज इक्वल टू के ए टी वन माइनस टी टू इंटू टी बाय डी। यहाँ पे जो के है वो थर्मल कंडक्टिविटी है, बाकी टर्म्स का नाम बताते हैं, ये आपको हीट है, ए एरिया, टी टाइम, डी डिस्टेंस। वैसे तो टी वन माइनस टी टू बाई टी इज़ द टेम्परेचर ग्रेडियंट, तो यहाँ से यदि सिर्फ के चाहिए तो के बराबर हो जाएगा क्यू इंटू डी बाई ए टी वन माइनस टी टू इंटू टी, एंड नाउ क्यू इंटू डी हीट का यूनिट जूल, डिस्टेंस का हो जाएगा मीटर, एरिया का हो जाएगा मीटर स्क्वायर,
टी वन माइनस टी टू टेम्परेचर डिफरेंस को बताता है, टेम्परेचर का लिखिए केल्विन और टाइम का लिखिए सेकेंड, कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा जूल पर मीटर पर केल्विन पर सेकेंड, जूल पर मीटर पर केल्विन पर सेकेंड, जूल पर मीटर पर केल्विन पर सेकेंड। ये जितने भी क्वांटिटी नीचे हैं, नीचे से ऊपर जाएंगे, जैसे जितना प्लस है सारा का सारा कुछ माइनस हो जाएगा। तो इसमें से ये आंसर देखिए मैच कर रहा है, जूल पर मीटर पर केल्विन पर सेकेंड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 41, कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और एक ऑप्शन है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। टॉपिक का नाम है कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये किस कॉन्सेप्ट की ओर लीड करता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किस कॉन्सेप्ट की ओर लीड करता है, या जो गिवन स्टेटमेंट है इसमें से कौन से स्टेटमेंट को होल्ड करता है। तो जैसे जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उससे हम लोग जानते हैं dQ इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्लू, एंड डी डब्लू इज इक्वल टू पी डी वी। तो ये हम लोग को बताता है कि यदि हम लोग किसी सिस्टम को हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, यदि हम लोग किसी सिस्टम को हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो देन उस हीट एनर्जी का यूज, उस हीट एनर्जी का उपयोग दो काम के लिए होता है। सबसे पहले वो क्या करता है ना, जो सिस्टम है वो अपना इंटरनल एनर्जी को राइज करता है, इट मीन्स टू से दैट कि बढ़ाता है, एंड उसके बाद जो रेस्ट अमाउंट होता है उसका यूज एक्सटर्नल वर्क डन को करने के लिए होता है। तो किसी भी सिस्टम को जब हीट प्रोवाइड किया जाता है, एंड हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो ये कंजर्व होता है एंड इसका यूजेज दो पार्ट में होता है। तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लीड्स टू द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लीड्स टू द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी।
क्वेश्चन नंबर 42, डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर मोनो एटॉमिक जो गैस होता है, गैस होता है उसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो मोनो एटॉमिक जो गैस होता है, एक एटॉमिक सिंगल एटम जिसमें होता है, तो उसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 3। फॉर्मूला हो जाता है F=3N-K। N नंबर ऑफ एटम्स को बताता है एंड K इज़ द नंबर ऑफ कॉमन कोऑर्डिनेट्स। N हो गया 1 और K हो गया 0। 3 × 1 - 0 हो जाएगा 3। F=3। क्वेश्चन नंबर 43, स्पीड ऑफ साउंड वेव इन एयर फर्स्ट है 2 increases with pressure, 3 increases with increase in humidity, 4 decreases with increase in humidity. इस क्वेश्चन का आंसर है कि जैसे स्पीड ऑफ साउंड वेव इन एयर्स इंक्रीजेज विथ टेम्परेचर, लेकिन ऑल्सो इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी। व्हाट इज़ ह्यूमिडिटी? द परसेंटेज ऑफ वाटर और द वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन एयर, दैट इज़ ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी में इंक्रीज के साथ स्पीड ऑफ जो साउंड वेव्स है इन एयर वो बढ़ता है। लेकिन इसमें दो ऑप्शन टिक करने से है कि आप वेरी फर्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 43 है उसमें आप टिक कीजिए फर्स्ट वन इज़ योर दैट इंक्रीजेज विथ टेम्परेचर, दिस क्वेश्चन नंबर 43 का ए। क्वेश्चन नंबर 44, सॉलिड लिक्विड गैस और वैक्यूम पूछ रहा है कि साउंड वेव ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन, साउंड वेव इसमें से सबसे ज़्यादा तेज़ी से किस में ट्रेवल करता है। साउंड वेव जब ट्रेवल करता है तो गिवन ऑप्शन में से सबसे ज़्यादा स्पीड से किस में ट्रैवल करता है। फर्स्ट ऑप्शन इज द सॉलिड लिक्विड गैस और वैक्यूम, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सॉलिड,
और यदि हम लोग बात करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, तो सबसे ज़्यादा स्पीड सॉलिड में, उससे कम लिक्विड में, और सबसे ज़्यादा कम वैक्यूम में, इवन एक वैक्यूम में हो जाता है 0, क्योंकि साउंड वेव एक मैकेनिकल वेव है जिसको एक जगह से दूसरे जगह तक जाने के लिए किसी और एक माध्यम का ज़रूरत पड़ता है, जबकि लाइट वेव एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, एंड इन वैक्यूम में ही उसका जो स्पीड है वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 45। अ ट्रांसवर्स वेव कंसिस्ट्स ओनली क्रेस्ट्स, ओनली ट्रॉफ्स, बोथ क्रेस्ट एंड ट्रॉफ्स, एंड फोर्थ वन इज रेयरफैक्शन एंड कंप्रेशन। इसमें से जो ट्रांसवर्स वेव वैसे वेव होते हैं जो कि जब ट्रैवल करते हैं तो जिस डायरेक्शन में वो ट्रैवल करते हैं, पार्टिकल्स उसी डायरेक्शन में परपेंडिकुलरली वाइब्रेट करते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट में एक और टॉपिक है, तो इसको पहले हम लोग वेरीफाई करेंगे। दैट इसका आंसर आपको हो जाएगा सी, दैट ट्रांसवर्स वेव कंसिस्ट्स बोथ क्रेस्ट एंड ट्रफ। अपर पार्ट जिसको क्रेस्ट कहा जाता है एंड लोअर पार्ट जिसको ट्रफ कहा जाता है। तो देन क्वेश्चन नंबर जो 45 है उसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 45 का सी एंड 46 में एक न्यूमेरिकल है और उसके ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, जैसे 100 पाई मीटर पर सेकेंड, 2nd ऑप्शन है 200 पाई मीटर पर सेकेंड, 3rd ऑप्शन है 400 पाई मीटर पर सेकेंड, एंड 4th ऑप्शन है 1000 पाई मीटर पर सेकेंड। अब इसमें आपसे पूछा जा रहा है y बराबर 10 sin 100 pi t plus 2 pi x, 100 pi t plus 2 pi x, एंड पूछ रहा है कि मैक्सिमम वेलोसिटी। तो मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है जैसे वी मैक्स इक्वल टू ओमेगा इनटू ए। आपको ये दो चीज़ पता होना चाहिए, तो देन यू कैन फाइंड द मैक्सिमम वेलोसिटी। इसको कंपेयर करो वाई बराबर ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। इसको यदि हम लोग कंपेयर करते हैं तो देन वी कैन हैव ए इज इक्वल टू टेन और ओमेगा टी इज इक्वल टू 100 पाई टी। टी से टी कट जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू 100 पाई। ओमेगा का फॉर्मूला, वैसे ओमेगा
अब आपको विशेष रूप से पर्सनली वैसे ज़रूरत नहीं है, हम लोग फ्रीक्वेंसी निकाल सकते थे। तो यहाँ से हो जाएगा वी मैक्स इज इक्वल टू ओमेगा ए, ओमेगा हो गया 100 पाई इंटू 10, तो देन वी मैक्स इज इक्वल टू 1000 पाई और वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर हो जाएगा डी, 1000 पाई मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 47, कुछ फॉर्मूला दिया हुआ है, बी इज इक्वल टू रूट अंडर पी बाय रो अच्छा फर्स्ट में ऑप्शन लिखा है रूट अंडर रो बाय पी, सेकंड में लिखा है भी बराबर रूट अंडर पी बाय रो, थर्ड में लिखा है भी इज इक्वल टू पी बाय रो या रो बाय पी, एंड फोर्थ में लिखा है भी बराबर रूट अंडर पी बाय रो। बोल रहा है इसमें से कौन सा वाला, इसमें से कौन सा वाला जो है आपको, दैट इज़ योर द न्यूटन्स फार्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। तो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर के लिए न्यूटन्स फार्मूला होता है भी बराबर रूट अंडर पी बाय रो, ये ऑप्शन नंबर बी। एक चीज़ आपको बता दें, यहीं पे यदि आपसे लैपलेस करेक्शन पूछा जाएगा तो भी बराबर रूट अंडर पी गामा बाय रो, यदि लैपलेस करेक्शन पूछा जाता है तो, जहाँ पर जो गामा है दैट इज़ योर एडियाबेटिक कॉन्स्टेंट, भी बराबर रूट अंडर पी गामा बाय रो। क्वेश्चन नंबर 48, एट रेजोनेंस द एम्पलीट्यूड ऑफ फोर्स्ड ऑक्सीलेशन इज, मिनिमम मैक्सिमम जीरो नन ऑफ दीज, जीरो नन ऑफ दीज। तो एट रेजोनेंस, रेजोनेंस के कंडीशन में जो एम्पलीट्यूड होता है वो होता है आपको मैक्सिमम, एट रेजोनेंस एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम, रेजोनेंस के कंडीशन में जो एम्पलीट्यूड होता है मैक्सिमम होता है। क्वेश्चन नंबर 49, वी इज इक्वल टू बी बाय रो, रो बाय बी, इसमें पूछ रहा है कि स्पीड ऑफ साउंड वेव इन ए फ्लूड हैविंग बल्क मॉडुलस बी एंड डेंसिटी रो इज, मतलब ये हुआ कि जब कोई लिक्विड या फ्लूड आपको दिया हुआ है और उस फ्लूड में जिसका आपको बल्क मॉडुलस दिया हुआ है बी और डेंसिटी दिया हुआ है आपको रो, तो वहाँ से यदि डिस्कशन किया जाए, आपसे पूछा जाए कि इस कंडीशन में स्पीड ऑफ साउंड क्या होगा, तो इसके लिए हम लोग देखेंगे दैट फार्मूला आपको हो जाएगा भी बराबर रूट अंडर, भी बराबर रूट अंडर पी सॉरी बी बाय रो, बी बाय रो। इसमें आपको
जो हम लोग इससे पहले पढ़े थे, वी बराबर रूट अंडर पी बाय रो। तो देन उससे आगे बढ़ते हुए यहाँ बी लग जाएगा बस। तो क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर हो जाएगा सी, वी बराबर रूट अंडर बी बाय रो। एंड इसके बाद क्वेश्चन नंबर 50, ऑप्शंस हैं लैम्डा, लैम्डा बाय 4, लैम्डा बाय 3, लैम्डा बाय 2। लैम्डा, लैम्डा बाय 4, लैम्डा बाय 3 और लैम्डा बाय 2। द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव या कॉन्सिक्यूटिव नोड्स और एंटी नोड्स। देखिए ये नोड है, दिस पॉइंट इज योर एंटी नोड, दिस इज अगेन नोड, दिस इज एंटी नोड, दिस इज नोड, दिस इज अगेन एंटी नोड, दिस इज नोड। तो दो लगातार नोड या एंटी नोड के बीच में कितना डिस्टेंस होगा। तो जैसे कोई भी वेव जब ट्रैवल करता है, एक कंप्लीट वेव का जो वेवलेंथ होता है दैट इज़ योर लैम्डा। एक कंप्लीट वेव का वेवलेंथ लैम्डा और इसका हाफ टोटल है लैम्डा। तो दो नोड्स यहीं तक है, उसके लिए हो जाएगा आपको लैम्डा बाय 2। ये सवाल है नोड और नोड के बीच का डिस्टेंस लैम्डा बाय 2, और एंटी नोड और एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस भी आपको हो जाएगा लैम्डा बाय 2। लेकिन यदि आपसे कभी भी पूछा गया एक नोड और एक एंटी नोड या एक एंटी नोड और एक नोड के बीच का डिस्टेंस, तो एक नोड या एंटी नोड या एंटी नोड और नोड के बीच का डिस्टेंस, दिस विल हैव द वैल्यू लैम्डा बाय 4। लैम्डा बाय 4 ये क्या बताता है कि दो, तो जब दो नोड या एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस पूछा जाए तो वो आपको हो जाएगा लैम्डा बाय 2, नोड नोड या एंटी नोड एंटी नोड। लेकिन जब बात किया जाएगा कि एक नोड तथा एक एंटी नोड, एक नोड तथा एक एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, तो उस समय आपको जो आंसर हो जाएगा दैट इज़ योर लैम्डा बाय 4। तो इस तरीके से हम लोगों ने टोटल 50 क्वेश्चंस को देखा, और इन 50 क्वेश्चन में आपको सारे के सारे यूनिट कवर अप हो गए। प्रत्येक प्रश्न के जो ऑप्शंस थे उस पर भी हम लोगों ने डिटेल एनालिसिस किया। अब आप लोग इसी बेसिस पर कुछ और प्रश्नों को अपने स्तर से भी कर सकते हैं, एंड इसके बाद हम लोग फर्दर में एग्ज़ाम को लेकर विशेष रूप से तैयारी करें। मे बी उसके बाद हो सकता है कि जो आपको क्वेश्चंस आएँ तो कुछ समय के बाद, कुछ एक दो दिन के बाद, उसके प्रॉपर सॉल्यूशंस पर भी वीडियो बनाया जाएगा, जिससे कि आप एनालिसिस कर सकें कि आप कितने क्वेश्चंस को सही अटेम्प्ट किए हैं। अच्छे तरीके से लिखिए। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट में इसके आगे, बाय, टेक केयर।